आज हम पढ़ेंगे कि मॉस में जो डिजिटली जो क्लॉक लिखी हुई होती है उसको कैसे डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, ये हमने प्रोग्राम लिखा हुआ है कील पे, और उसके बाद फिर हम इसका प्रोटीएस पे बनाएंगे, सर्किट बनाएंगे। अच्छा, ये हमारे पास सबसे पहले प्रोग्राम की ऊपर मेन चीज़ें हैं, 0 ORG, 00H लॉन्ग जंप मेन, और ORG 30H मेन। उसके बाद फिर हमने मूव किया इसको डेटा पॉइंटर रजिस्टर में, उसमें हमने माई डाटा में इतना सारा डाटा डाला है, जिस तरह से हम आगे LED काउंटिंग के लिए 0 से लेके सारे वो बिट्स डालते थे, वो वैल्यूज़। और उसके बाद फिर हमने P3 में स्टार्टिंग में इनिशियली 0 0 लेते हैं, तो यहाँ पे हमने 0 0 ले लिया, मूव कर दिए P3 को। अच्छा, उसके बाद फिर हम प्रोग्राम लिखेंगे, इनिशियल में हमारी सारी वैल्यू 0 0 होंगी, और हमने 5 6 रजिस्टर्स लिए हैं R0 से लेके R5 तक। इसमें स्टार्ट में हम सारी वैल्यू 0 0 मूव करवाएंगे, उसके बाद फिर हम जो है R0 और R1 जो है हमारे रजिस्टर्स जो हैं सेकंड्स के लिए हैं, और R2 और R3 मिनट्स, और R4 और फाइव R5 जो हैं ये आवर्स के लिए। R0 में और R1 में हम 5 5 H वैल्यू मूव करवाई हुई है, और R2 और 3 में 9 5, और R4 और 5 में 0 5 और 0 0। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, नीचे जाएंगे, यहाँ पे हमने 0 में इंक्रीमेंट किया है पहले, और उसके बाद फिर CJNE वाले हम कमांड देंगे। उसके बाद फिर हम R0 में तब तक इंक्रीमेंट, जब R0 में अगर 0 है तो इंक्रीमेंट देंगे तो वो 1 हो जाएगा, और फिर वो जब तक 9 रहेगा तब तक मतलब वो होता रहेगा इंक्रीमेंट। उसके बाद फिर डिस्प्ले, जब 9 जब होगा तो फिर डिस्प्ले हो जाएगा 10 होने से पहले, जब 10 होगा तो वो दोबारा R0 में 0 हो जाएगा, और R1 में फिर दोबारा से इंक्रीमेंट हो जाएगा। उसके बाद फिर दोबारा से हमने कमांड दी है CJNE की। उसके बाद इसी तरह से फिर R1 में हम जो है उसमें मतलब इंक्रीमेंट देंगे, जब तक वो 5 हो, जब तक 5 नहीं होता, जब 5 होगा तो वो डिस्प्ले हो जाएगा, और जब 6 होगा तो देन आफ्टर दैट वो R1 जो है हमारे पास 0 हो जाएगा, और R2 में इसी तरह इंक्रीमेंट हो जाएगा। फिर उसी तरह से R2 में 9 तक डिस्प्ले होता रहेगा, और जब 10 वैल्यू आएगी तो वो मूव कर जाएगा, R2 में 0 हो जाएगा, और फिर दोबारा से इसी तरह से R3 में इंक्रीमेंट हो जाएगा, और इसी तरह से R3 में भी होगा इंक्रीमेंट होगा, वो मूव कर 0 का जाएगा। उसके बाद फिर हमने मूव एक्यूमुलेटर में R5 रजिस्टर को मूव किया है। उसके बाद हमने XRL हमारे पास और गेट है, ठीक है, इसको हमने एक्यूमुलेटर में मूव किया है। उसके बाद हमने डे नाइट और आवर्स लिए हैं, JZ जंप फॉर JNZ जंप इफ नॉट। अच्छा, उसके बाद फिर हमने आवर्स में इंक्रीमेंट हम करेंगे R4 में, और वो जब तक 9 होगा डिस्प्ले होता रहेगा, जब 10 होगा तो वो फिर मूव कर जाएगा, R4 जो है हमारे पास 0 हो जाएगा, और उसके बाद फिर न्यू डे स्टार्ट हो जाएगा। फिर इसी तरह से जब डे नाइट का टाइम होगा तो R4 में हम इंक्रीमेंट करेंगे, जब तक वो 0 1 2 3 तक, मतलब 3 तक वो होगा, जब तक 3 होगा वो डिस्प्ले होगा, जब 4 आएगा तो R4 हमारे पास 0 हो जाएगा, और फिर हम R5 पे मूव कर देंगे। इसी तरह से फिर न्यू डे आएगा, और वो इसी तरह से फिर शॉर्ट जंप स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद फिर हम जो है रिपीट का हम दोबारा लगाया हुआ है, कमांड दी हुई है। उसके बाद फिर हमने मूव किया है एक्यूमुलेटर आर को, आर में रजिस्टर 0 को। उसके बाद हमने मूव सी लिखा है, फिर रजिस्टर ए, और साथ में हमने एक एक्यूमुलेटर है और डाटा पॉइंटर रजिस्टर है। और उसके बाद क्या होगा कि सेट बिट P2 को हम सेट बिट कर देंगे, और फिर दोबारा से मूव कर देंगे P1 को सेट बिट मतलब 0 कर देंगे, और इसी तरह से। उसके बाद फिर एक कॉल डिस्प्ले का हम लगाएंगे, कमांड देंगे। उसके बाद फिर हम P2 को क्लियर कर देंगे,
और एक्यूमुलेटर ए में हम रजिस्टर R1 को मूव कर देंगे, और फिर उसी तरह से एक्यूमुलेटर ए और डेटा पॉइंटर रजिस्टर रहेगा। फिर हम P21 को हम सेट बिट कर देंगे, और उसी तरह से P1 में एक्यूमुलेटर ए को मूव कर देंगे। फिर इसी तरह से एक ऑल डिस्प्ले वाला आएगा, और ये इसी तरह से चलता रहेगा R5 तक। अच्छा, उसके बाद फिर हमने नीचे अलार्म जो है वो हमने सेट किए हैं। सुबह हमने सबसे पहले 5 बजे का अलार्म सेट किया हुआ है। फिर उसके बाद जो ज़ोहर की नमाज़ का टाइम होता है 14 बजे, 14 मतलब यानी 2 बजे का, वो हमने सेट किया हुआ है अलार्म। उसके बाद 17 असर के लिए, फिर ज़ोहर मगरिब और इशा के लिए ये हमने सेट किया हुआ है। उसके बाद हमने PS सेट डिले सेट बिट और PSW, हमारे पास एक रजिस्टर है, ये हमारे पास 8 बिट का रजिस्टर है, उसमें हमारे पास 2 पोर्ट्स होते हैं, ठीक है। और ये नीचे हमने सारा डाटा दिया हुआ है, हमारा सारा प्रोग्राम था। अब हम इसको प्रोटियस पे चलाएंगे। ये प्रोटियस है, इसमें हमने क्या लिया है, 7 सेगमेंट डिस्प्ले लिया है। तो उसके अलावा हमने अपना माइक्रो कंट्रोलर लिया है, 8089C51, एक पुश बटन लिया है, और हमारे पास 6 LEDs हैं, और हमने नॉट गेट लिया है। इसको मतलब 0 को 1 और 1 को 0 करने के लिए हमने नॉट गेट को यूज़ किया। अब हम उसी तरह से इसके ऊपर डबल राइट क्लिक करेंगे, और यहाँ से जाके हम इसको प्रोग्राम फाइल को, हमने हेक्स फाइल जो बनाई हुई है अपने कील पे, वो हम इसको प्रोटियस को यहाँ से हेक्स फाइल असाइन करेंगे, और वो उसको सिलेक्ट कर लेंगे, ओके कर लेंगे, जहाँ पे भी आपने फाइल रखी हुई है, ठीक है। अब हम इसको रन करते हैं। ये देखिए, अभी ये फजर का ऑन हुआ है, जो 57, 58, 59 जब होगा तो ये सनराइज वाले 6 हो गए, और ये हमारे पास ऑन हो गए। इसी तरह से फिर जब ये दोबारा वापस जाएगा इशा पे, अगर ये होगा तो उसी तरह से 59 से आगे जब जाएगा तो वो मतलब आगे टाइम, अगर 7 है तो 59 होंगे तो वो 8 हो जाएंगे। इसी तरह से वो हमारे पास LEDs ऑन हो जाएंगे।